चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा है कि फैसला लिखते हुए नहीं सोचते कि रोस्टरम पर किन जुमलों का तबादला हुआ, गुस्से में दिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता, हमें ख्याल रखना है कि लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि किसी वकील की सरजनिश का मकसद किसी की दिलाजारी नहीं बल्कि सिखाना होता है, नौजवान वकला को केस की तैयारी और अच्छे आदाब के साथ अदालत में पेश होना चाहिए। गुस्से में फैसला सही फैसला नहीं है, एंड पिछले 10 साल में अगेन माय स्टाफ कैन वाउच फॉर इट कि नन ऑफ माय डिसीजंस दे आर बेस्ड ऑन दैट। क्योंकि चेंबर का वो इंस्टीट्यूशन अब उस तरीके से नहीं रहा, लिहाजा बेंच, जुडिशरी, बार एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट एंड द बार काउंसिल्स, उनको वो रोल अडॉप्ट करना है, वो इंस्टीट्यूशन डेवलप करना है जिसके ऊपर वो यंग लॉयर्स को गाइड कर सकें, रहनुमाई कर सकें, उनको एजुकेट कर सकें। ये अगर कोई समझता है कि अ जज, और फॉर दैट मैटर मैं अपनी बात करूँगा, मी एज अ जज कोई पर्सनल लेवल पे किसी को कुछ कह रहा है तो इट्स नॉट, लेट मी क्लैरिफाई एंड एम्फसाइज, इट्स नॉट, इट्स ऑल प्रोफेशनल। एंड मैं कुछ नहीं आगे कहूंगा, माय स्टाफ कैन वाउच फॉर इट, व्हेन आई पास द ऑर्डर, व्हेन आई डिक्टेट द ऑर्डर और द जजमेंट, मेरे दिल में वो जो हुआ होता है ऑन द रोस्ट्रम दैट डज नॉट प्ले एनी पार्ट।